अप्रैल 1984 का वक्त, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को लीड करने वाले अधिकारी आरएन काओ और गुप्त ऑपरेशनों को चलाने वाली संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी के राम टेक चंद नागरानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए उनके बंगले पर पहुंचते हैं। काओ और नागरानी एक गुप्त ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए इंदिरा गांधी के आवास पर पहुंचे थे। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को हेलीकॉप्टर्स की सहायता से एक आदमी को पकड़ना था। इंदिरा ने पूछा, इसमें हमारे कितने जवान शहीद हो सकते हैं? जवाब ऐसा मिला कि इंदिरा ने इस ऑपरेशन को मंजूरी ही नहीं दी। इंदिरा ने चेहरे पर चिंता का भाव लिए इन दोनों शीर्ष अधिकारियों से कहा, मुझे पता है कि देर या सवेर ये उग्रवादी मुझे भी मार डालेंगे। जिस उग्रवादी के खिलाफ इस गुप्त ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन सनडाउन को चलाई जाने की ये योजना बनाई जा रही थी, उस आदमी का नाम था जर्नेल सिंह भिंडरावाले। वही भिंडरावाले जो इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उस पर हाथ डालने का विचार करने पर भी भारत के प्रधानमंत्री को अपनी जान गंवाने का भय था। वो भिंडरावाले जिसके समर्थक पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पर हमला कर चुके थे, वो भिंडरावाले जिनके समर्थक आईजी लेवल के पंजाब पुलिस के एक अधिकारी को स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर सरेआम मौत के घाट उतार देते हैं। 2 घंटे तक डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की लाश स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी रही, लेकिन पास में ही खड़ी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उस लाश को उठा ले। कौन था भिंडरावाले? आखिर कैसे वो इतना ताकतवर बना कि जब इंदिरा गांधी ने उसे खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी दी तो कहा कि आई हैव साइंड माई डेथ सेंटेंस, यानी कि मैं अपनी मृत्यु के पत्र पर हस्ताक्षर करके आई हूँ। क्या है भिंडरावाले के पीछे का सच जो बहुत कम लोग जानते हैं? किसने उसे दिल्ली में बैठे बैठे तैयार किया? किसने उसे इतने दिनों तक बचाए रखा? कैसे उसने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा किया और कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत उसे खत्म किया गया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। पंजाब में अमृतपाल सिंह खालसा के उदय के बाद माना जा रहा है कि भिंडरावाले 2.0 का जन्म हो चुका है। लोगों के मन में एक बार फिर 80 के दशक वाले पंजाब का डर सता रहा है। 1980 से लेकर 1984 तक के पंजाब के मानचित्र पर भिंडरावाले का उदय और खात्मा दर्ज है। ये वो दौर था जब अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर पर भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। स्वर्ण मंदिर के अंदर करीब 150 हथियारबंद लड़ाके रहने लगे थे, जिन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे भारतीय सेना के पूर्व जनरल साहबेग सिंह। जनरल साहबेग सिंह भारतीय सेना के वही जनरल थे जिन्होंने साल 1971 में हुई बांग्लादेश की लड़ाई में मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेनिंग दी थी, लेकिन बाद में उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर इंडियन आर्मी से निकाल दिया गया। इससे अपमानित होकर साहबेग सिंह भिंडरावाले के साथ मिल गए। जनरल साहबेग सिंह ने स्वर्ण मंदिर के अंदर ऐसी मोर्चाबंदी की कि जब इंडियन आर्मी ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसी तो वो नुकसान उठाना पड़ा जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। आज हम कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहला सवाल कि भिंडरावाले था कौन, कैसे वो इतना शक्तिशाली बन गया, क्या उसे इतना शक्तिशाली बनने से पहले रुका जा सकता था। दूसरा सवाल कि भिंडरावाले को खत्म करने के लिए किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्लानिंग कैसे रची गई। तीसरा सवाल कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख धर्म पर हमला था या सिर्फ भिंडरावाले पर हमला था। क्या इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जानबूझकर सिखों के पवित्र स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। चौथा सवाल कि भिंडरावाले संत भिंडरावाले था या एक धर्मांध आतंकी था। पांचवा और अंतिम सवाल कि क्या भिंडरावाले को कांग्रेस ने ही तैयार किया था, क्या भिंडरावाले इंदिरा गांधी और संजय गांधी की ही सीक्रेट प्लानिंग का हिस्सा थे। इससे पहले कि 80 के दशक के पंजाब की बात करूं, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको 70 के दशक के बारे में, भारत के बारे में समझनी होगी, क्योंकि इसी से आपको पहले के और पांचवें सवाल का जवाब मिलेगा कि भिंडरावाले था कौन और क्या उसे इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने ही अपने सीक्रेट प्लान के तहत तैयार किया था। इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल के खत्म हो जाने के बाद साल 1977 में देश में लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में इंदिरा बुरी तरह हार गईं। देश में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार यानी कि जनता दल की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए। देश की राजनीति के साथ साथ राज्यों की राजनीति भी बदल रही थी। राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें गिर रही थी। इसी तरह पंजाब की राजनीति भी बदल रही थी। यहाँ भी सिखों की राजनीति करने वाली अकाली दल ने जनता दल की मदद से कांग्रेस को हरा दिया। यहाँ भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह सत्ता से बाहर हो गए और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने। अब ज्ञानी जेल सिंह पंजाब की सत्ता में वापस लौटने की प्लानिंग करने लगे, लेकिन सिख बहुसंख्यक अकाली दल की तरफ जा चुके थे। इसी पंजाब में एक दूसरी बड़ी घटना होती है। पंजाब के अमृतसर में दमदमी टकसाल नाम की एक जगह है। जिस तरह हिंदुओं में गुरुकुल होते हैं, उसी तरह सिखों में धार्मिक शिक्षा केंद्रों को टकसाल कहा जाता है। इस दमदमी टकसाल का इतिहास
सिख इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसकी स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उन्होंने यही गुरु ग्रंथ साहिब को एक किताब का रूप दिया था, इसलिए सिखों में इस टकसाल का बहुत अधिक महत्व है। इधर पंजाब में सत्ता बदलती है, उधर एक आदमी इस बेहद महत्वपूर्ण टकसाल का हेड बन गया। इस आदमी का नाम था जरनेल सिंह भिंडरावाले, जिन्हें संत भिंडरावाले के नाम से भी जाना गया। अभी तक भिंडरावाले एक सिख संत की तरह रहते थे, उनका राजनीतिक मसलों से कोई मतलब नहीं था। वे सिर्फ सिख नौजवानों को सिख धर्म की सच्ची शिक्षाओं की तरफ लौटने के लिए कहते थे। भिंडरावाले का दमदमी टकसाल का प्रमुख बनते ही अगले साल पंजाब में एक बड़ी घटना हुई, जिसने भिंडरावाले को चरमपंथी सिखों के भीतर और अधिक लोकप्रिय बना दिया। ये घटना थी निरंकारी और सिखों के बीच हुई एक हिंसक झड़प, जिसमें करीब 15 लोग मारे गए थे। दरअसल निरंकारी पंथ सिखों का ही एक पंथ है, ये खुद को सिख कहते हैं, लेकिन बाकी सिख इन्हें सिख नहीं मानते, क्योंकि इस पंथ के मानने वाले लोग परंपरागत सिखों से थोड़े से अलग हैं। जैसे सिख अपनी धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते हैं, लेकिन निरंकारी साकार गुरु में विश्वास करते हैं, मतलब कि जीवित आदमी को ही गुरु मानते हैं। यही कारण है कि कट्टर सिख निरंकारियों को सिख धर्म के खिलाफ मानते हैं। भिंडरावाले भी निरंकारियों को सिख धर्म के खिलाफ मानते थे, लेकिन निरंकारियों के खिलाफ भिंडरावाले का मोर्चा खोलने का पहला मौका आता है 13 अप्रैल 1978 के दिन। इस दिन पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। इसी दिन निरंकारियों ने एक बड़े धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। भिंडरावाले ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम ये सम्मेलन नहीं होने देंगे, हम उनका रास्ता रोककर उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इधर अमृतसर की सड़कों पर निरंकारियों ने अपना धार्मिक जुलूस निकालना शुरू किया, उधर भिंडरावाले सिखों की भीड़ को निरंकारियों पर हमले के लिए उकसाने लगते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ में 26 साल काम करने वाले जीबीएस सिद्धू ने अपनी किताब खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में भी इस घटना का जिक्र किया है। जीबीएस सिद्धू के अनुसार बैसाखी के मौके पर स्वर्ण मंदिर में उपस्थित सिखों की भीड़ को संबोधित करते हुए भिंडरावाले ने अमृतसर में हो रहे निरंकारी समागम पर जोरदार आपत्ति जताई और श्रोताओं को समागम स्थल पर जाकर उसे रोकने के लिए भड़काया। उस समय फौजा सिंह ने निरंकारियों के खिलाफ नारे लगाते हुए सिखों के एक जुलूस का नेतृत्व किया। समागम स्थल पर पहुंचकर फौजा सिंह ने अपनी तलवार निकाली और निरंकारियों के गुरु गुरुबचन सिंह को मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाते, गुरुबचन सिंह के अंगरक्षकों ने फौजा सिंह को गोली मार दी। इससे फौजा सिंह की वहीं मौत हो गई। सिख चरमपंथियों और निरंकारियों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में 13 सिख और 3 निरंकारियों की मौत हो गई। बीबीसी के पत्रकार मार्क टली ने भी अपनी किताब अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि फौजा सिंह और भिंडरावाले के लोगों ने रास्ते में मिले एक हिंदू हलवाई के हाथ भी काट डाले थे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी और उन्हें रास्ते में ही रोकने में असफल रही। क्योंकि इस हिंसक झड़प में निरंकारियों की तरफ से सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई थी और सिखों की तरफ से 13 सिखों की मौत हो गई थी, इस कारण परंपरागत सिखों में निरंकारियों के प्रति और अधिक गुस्सा भड़क गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है कि इस घटना वाले दिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मुंबई में थे। वे झट से पंजाब लौटे, उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के साथ साथ निरंकारी गुरु गुरुवचन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सिखों का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। सीएम बादल द्वारा निरंकारियों के बहिष्कार के आह्वान के बाद भी सिखों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। निरंकारी समागम कांड के बाद सिखों के बीच भिंडरावाले का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भिंडरावाले एक नायक की तरह सामने आए, जो चरमपंथियों के अनुसार सिखों के लिए लड़ रहा था, जो सिख धर्म की शिक्षाओं को वापस स्थापित करना चाहता था। लेकिन निरंकारी समागम में हुई हिंसक घटना के बाद फौजा सिंह की विधवा पत्नी बीबी अमरजीत कौर भिंडरावाले के खिलाफ हो गई। अमरजीत कौर के अनुसार भिंडरावाले खुद निरंकारी समागम में लड़ने के लिए नहीं गए, बल्कि जुलूस से पहले ही निकलकर स्वर्ण मंदिर में वापस चले गए थे। अमरजीत कौर ने इस काम के लिए भिंडरावाले को कभी माफ नहीं किया। भिंडरावाले से लड़ने के लिए अमरजीत कौर ने अखंड कीर्तनी जत्था नाम का एक समूह बनाया, जो आखिर तक भिंडरावाले के लिए एक टीस बना रहा। फौजा सिंह की विधवा पत्नी बीबी अमरजीत कौर उन गिने चुने लोगों में थी जो भिंडरावाले के खिलाफ खुलकर आलोचना कर सकती थी, बोलने की हिम्मत दिखा सकती थी। अमरजीत कौर को छोड़कर बाकी सब सिख नेता और धीरे धीरे भिंडरावाले के आगे सरेंडर कर चुके थे। सब में भिंडरावाले का खौफ था, डर था, वे या तो मार दिए गए या चुप करा दिए गए। भिंडरावाले के आगे खुद अकाली दल की सरकार असहाय हो गई, जो खुद सिखों की राजनीति करने वाली पार्टी थी, सिख मुद्दों को उठाकर सरकार में आई थी, लेकिन अब अकाली दल के सामने उनसे भी कट्टर नेता खड़ा था, जो सिखों को ज्यादा आकर्षित कर रहा था। निरंकारी समागम वाली हिंसक घटना ने भिंडरावाले का कद और साहस दोनों इतना बढ़ा दिए कि भिंडरावाले ने
लुधियाना में आयोजित अकाली दल के एक सम्मेलन में वरिष्ठ अकाली नेता जगदेव सिंह तलवंडी के सामने ही उनकी कड़ी आलोचना कर दी। उस समय की कांग्रेसी मीडिया ने भी भिंडरावाले को नायक की तरह पेश किया और निरंकारियों के प्रति सिखों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली की मीडिया को आखिर क्या हुआ कि वो भिंडरावाले को सिखों का हीरो दिखाने पर तुली हुई थी। आमतौर पर दिल्ली की मीडिया ऐसे चरमपंथियों के खिलाफ कड़ा मिजाज रखती है, लेकिन भिंडरावाले को मीडिया में इतना स्पेस क्यों दिया जाने लगा था? यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा पेच निकलता है। पेच क्या है? इसी पेच से पीछे शुरू होती है एक बड़े पर्दे की कहानी, और इसी में छुपा है इस कहानी का राज कि भिंडरावाले को संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने एक बड़े खेल के लिए तैयार किया था या नहीं। इस सवाल का जवाब आगे पता चलेगा। दरअसल जब अकालियों ने सिख राजनीति के दम पर पंजाब में कांग्रेस को हरा दिया तो संजय गांधी दूसरे प्लान खोजने लगे। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करके घी निकालने का प्लान बनाया गया। प्लान बना कि जिस सिख राजनीति के दम पर अकाली दल ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है, अब उस अकाली दल के सामने उससे भी अधिक कट्टर सिख नेता को खड़ा किया जाए, जिससे अकाली दल को सिखों से मिलने वाला समर्थन बढ़ जाए और वो कमजोर हो जाए। इस पॉलिटिकल इक्वेशन का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में भी किया है। इस किताब में पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखा है कि पंजाब में रहने वाले ऐसे 20 सिख संतों की सूची बनाई गई जो अकालियों को मिलने वाले सिख समर्थन को कम कर सकें। संजय गांधी के पास ये लिस्ट भेजी गई। इनमें से कुछ में उतना दमखम नहीं था, कुछ ने इस तरह की राजनीति का खिलौना बनने से इनकार कर दिया। अंत में 2 सिख संतों के नाम चुने गए जो दमदार थे। ये लिस्ट बनवाने का काम किया गया कांग्रेस के नेता और पंजाब के हारे हुए मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह और दरबारा सिंह ने। अंत में इस काम को अंजाम देने के लिए भिंडरावाले चुने गए। संजय गांधी को लगा कि भिंडरावाले के सहारे पंजाब में अकाली दल को किनारे किया जा सकता है। हालांकि यहां भी 2 मत हैं। यहां भी असली खिलाड़ी संजय सिंह को नहीं माना जाता, ऐसा भी माना जाता है कि ये प्लान पूरी तरह संजय गांधी का नहीं था बल्कि ज्ञानी जेल सिंह का था, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे और सत्ता में दोबारा से वापस आना चाहते थे। बाद में अलग अलग मौकों पर भिंडरावाले को ज्ञानी जेल सिंह ने ही गिरफ्तारी से भी बचाया था। एक बार गिरफ्तारी के बाद रिहा भी ज्ञानी जेल सिंह ने ही कराया था। एक तरह से अकाली दल सिख राजनीति का खेल खेल रहा था। संजय गांधी उस राजनीति को तोड़ने के लिए किसी और सिख कट्टर सिख नेता के सहारे अकाली दल से खेलना चाहते थे, लेकिन असली खेल खेल रहे थे ज्ञानी जेल सिंह, जिन्हें पंजाब की सत्ता में वापस लौटना था। भिंडरावाले के बारे में कुलदीप नैयर को खुद कांग्रेस नेता और संजय गांधी के करीबी कमलनाथ ने बताया था कि तीखा भाषण करने वाले भिंडरावाले रणनीति के हिसाब से ठीक लग रहे थे। हम उसे कभी कभार पैसे भी भेजते थे, लेकिन हमें कभी यह नहीं लगा कि वो आतंकी बन जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो भिंडरावाले को आगे बढ़ाने का काम उसी सिख राजनीति की पिच पर यॉर्कर गेंद थी जिस पर बल्लेबाजी करते हुए अकाली दल पंजाब की राजनीति में सत्ता तक पहुंची थी। इससे पहले भिंडरावाले की मांगें सिख धर्म के अनुयायियों को सिखों की असली शिक्षाओं की तरफ वापस लाना था, जैसे सिख केस ना काटें, शराब ना पिएं आदि आदि। लेकिन निरंकारी समागम वाला ऐसे मामला था जो राजनीतिक भी था और सिख धर्म से जुड़ा हुआ भी था। इससे अकाली दल की सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। लेकिन अकाली दल के लिए दुविधा यहाँ पर ये थी कि उसे कानून व्यवस्था का ख्याल भी रखना था, तो दूसरा इस कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले निरंकारी विरोधी कट्टर सिखों का भी वो खुलकर विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि पार्टी की पहचान ही सिख अस्मिता की लड़ाई लड़ने की रही थी। यहाँ अकाली दल की सरकार बीच में फंस गई, जिसके आगे उससे भी कट्टर सिख यानी कि भिंडरावाले खड़ा था। दिल्ली के केंद्र में रची जा रही इस राजनीतिक बिसात ने अकालियों को तो दुविधा में डाल ही दिया, लेकिन अकालियों को और अधिक कमजोर करने के लिए और भी खतरनाक राजनीतिक पिच तैयार की जा चुकी थी। वो खतरनाक राजनीतिक पिच थी 13 अप्रैल 1978 के दिन दल खालसा पार्टी की स्थापना किया जाना, जिसकी मांग थी खालिस्तान यानी कि भारत से अलग एक सिख संप्रभु राष्ट्र की मांग। पत्रकार मार्क टली और सतीश जेकब ने अपनी किताब में इस दल खालसा पार्टी की स्थापना के पीछे के हाथों का भी जिक्र किया है। कौन थे वो लोग जिन्होंने खालिस्तान की मांग उठाने के लिए दल खालसा पार्टी की स्थापना कराई ताकि अकाली दल को सिखों से मिलने वाला समर्थन बढ़ जाए और वो राज्य में कमजोर हो जाए? मार्क टली और सतीश जेकब ने अपनी किताब अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल में इसके पीछे के लोगों का खुलासा करते हुए लिखा है कि भिंडरावाले को राजनीतिक पहचान देने के लिए अमृतसर के अरोमा होटल में खालिस्तान समर्थक पार्टी यानी कि दल खालसा की पहली मीटिंग कराई गई, जिसमें खालिस्तान बनाने को लेकर चर्चा की गई। होटल के स्टाफ के अनुसार इस मीटिंग का खर्चा किसी और ने नहीं बल्कि ज्ञानी जेल सिंह ने वहन किया था। कांग्रेसी नेता ज्ञानी जेल सिंह
जो पंजाब के सीएम भी रह चुके थे और आगे चलकर देश के गृह मंत्री भी बने और आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने, वे इस पार्टी को बैक हैंड से प्रमोट भी करते रहे। मार्क टली और सतीश जेकब की किताब के अनुसार ज्ञानी जेल सिंह पत्रकारों से दल खालसा की खबरों को फ्रंट पेज पर छापने के लिए कॉल किया करते थे। भिंडरांवाले ने कभी भी खुले तौर पर खुद को दल खालसा से नहीं जोड़ा और खुद को राजनेता की जगह एक संत की तरह ही मेंटेन किया, लेकिन दल खालसा हमेशा भिंडरांवाले की पार्टी के तौर पर ही जानी जाती थी। ज्ञानी जेल सिंह द्वारा भिंडरांवाले और दल खालसा को प्रमोट करने के पीछे अटकलें ये भी लगाई जाती है कि शायद ज्ञानी जेल सिंह स्वयं खालिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और ऐसी पार्टियों से जुड़े हुए भी थे। ज्ञानी जेल सिंह द्वारा दल खालसा पार्टी के होटल का खर्चा उठाने वाली बात कितने यकीन करने लायक है वो आगे के प्रसंग में पता चल जाएगी। साल 1982 में ज्ञानी जेल सिंह जब देश के राष्ट्रपति बन गए, इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीबीसी के पत्रकार सतीश जेकब से उनके द्वारा किए गए होटल के खर्च के आरोप पर सफाई मांगी, लेकिन ये रौब ज्ञानी जेल सिंह पर ही भारी पड़ गया। जेकब ने कहा, ज्ञानी जी मेरे पास उस बिल की कॉपी भी है। सतीश जेकब का जवाब सुनने के बाद ज्ञानी जेल सिंह चुप हो गए। सतीश जेकब के साथी मार्क टली बीबीसी के पत्रकार रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भिंडरांवाले के कई बार इंटरव्यू किए थे और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था तब भी मार्क टली उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक थे जिन्होंने भिंडरांवाले से उनके आखिरी हफ्ते में इंटरव्यू लिया था। पत्रकार मार्क टली और सतीश जेकब की किताब अमृतसर मैसेज गांधी लास्ट बैटल में भिंडरांवाले के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इधर केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार के गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनकी भी सरकार 23 दिन से अधिक नहीं चल सकी और 20 अगस्त 1979 के दिन चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद देश में सातवें लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की केंद्र की सत्ता में वापसी तय मानी जा रही थी। इधर पंजाब में भिंडरांवाले एक जानी मानी हस्ती बन चुके थे। वैसे भिंडरांवाले खुद को धार्मिक संत मानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई कांग्रेसी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार किया। पत्रकार मार्क टली और सतीश जेकब ने अपनी किताब में लिखा है कि भिंडरांवाले ने 1980 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के कई उम्मीदवारों का प्रचार किया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष आरएल भाटिया जो अमृतसर से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने तो पोस्टर भी छपवा लिया था कि भिंडरांवाले हमारे साथ हैं। एक और प्रत्याशी ने यह पोस्टर छपवाया था, वह थी संजय गांधी की खासम खास डीआईजी प्रीतम सिंह भिंडर की पत्नी सुखवंश कौर भिंडर, जो गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी। इनके अलावा गुरदयाल सिंह ढिल्लो जो तरन तारण से चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी भिंडरांवाले ने सक्रियता से चुनाव प्रचार किया। यहाँ एक और बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस गुरदासपुर लोकसभा सीट से डीआईजी प्रीतम सिंह भिंडर की पत्नी सुखवंश कौर भिंडर चुनाव लड़ रही थी, उसी गुरदासपुर सीट से जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्राणनाथ लेखी ने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया था कि गुरदासपुर में भिंडरांवाले इंदिरा गांधी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे और दोनों ने एक ही मंच साझा किया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने इन आरोपों का हमेशा खंडन किया था कि उनका भिंडरांवाले से कोई संबंध नहीं था और ना ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बढ़ावा दिया था, लेकिन उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ये बात जरूर स्वीकार की कि भिंडरांवाले ने कांग्रेस के एक उम्मीदवार का समर्थन किया था। सातवीं लोकसभा के लिए हुए इन चुनावों में जनता दल की सरकार को जनता ने नकार दिया और इंदिरा गांधी एक बार फिर जनवरी 1980 में देश की प्रधानमंत्री बन गई। इधर पंजाब में भी इस साल विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस पंजाब में सत्ता में आ जाती है, लेकिन इस बार इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जेल सिंह को पंजाब से बाहर रखने का प्लान रखा। ज्ञानी जेल सिंह को पंजाब से हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने उन्हें केंद्र सरकार में गृहमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठा दिया, लेकिन ज्ञानी जेल सिंह के विरोधी और उनके अपेक्षाकृत सेकुलर विचारधारा वाले दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। दरबारा सिंह धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे, लेकिन पंजाब से साइडलाइन किए जाने के बाद ज्ञानी जेल सिंह अपनी ही पार्टी यानी कि दरबारा सिंह की सरकार गिराने की चाह रखने लगे। इसके लिए एक बार फिर भिंडरांवाले का उपयोग करने का काम और अधिक तेज हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब चुनाव परिणामों के आते ही निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह को और उनके अनुयायियों को कोर्ट के द्वारा रिहा कर दिया जाता है, जिन्हें निरंकारी समागम में हुई हिंसा के बाद जेल में डाल दिया गया था। लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर भिंडरांवाले को चर्चा के केंद्र में ला दिया। निरंकारी बाबा गुरुबचन सिंह की रिहाई पर भिंडरांवाले उग्र हो गए, क्योंकि बाबा गुरुबचन सिंह के बॉडीगार्ड्स ने ही निरंकारी सम्मेलन के दौरान भिंडरांवाले के सहयोगी फौजा सिंह की हत्या कर दी थी। रॉ के अधिकारी रहे जीबीएस सिद्धू ने अपनी किताब खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में लिखा है कि अप्रैल 1980 में प्रकाशित रिपोर्टों में बताया गया था कि फजिलका तहसील के जंदुआ भीमसाह गांव का दौरा करते समय भिंडरांवाले ने घोषणा की थी कि बचा यानी कि निरंकारियों के गुरु गुरुबचन सिंह ने 25 लोगों को मारा है, जबकि उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को मारा था, इसलिए अभी वह
22 और निरंकारियों की हत्या करेंगे। भिंडरावाले की इस घोषणा के कुछ दिन बाद ही 24 अप्रैल 1980 के दिन निरंकारी गुरु गुरुबचन सिंह को नई दिल्ली स्थित उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब भिंडरावाले पर गुरुबचन सिंह की हत्या का आरोप लगने लगा। जब सीबीआई ने गुरुबचन सिंह की हत्या की जांच की तो पाया कि बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार का लाइसेंस किसी और के नाम नहीं बल्कि भिंडरावाले के एक भाई के नाम पर था। सीबीआई का यह भी कहना था कि यह हत्या की प्लानिंग में भिंडरावाले के 3 लोग सीधे सीधे शामिल थे। अपनी गिरफ्तारी के भय से डरकर भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर परिसर के पास मौजूद गुरु नानक निवास में जाकर छुप गया। ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही भिंडरावाले को अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन इस केस में भी भिंडरावाले को साथ मिला देश के गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह का। भिंडरावाले का बचाव करते हुए ज्ञानी जेल सिंह ने देश की संसद में बयान दिया कि बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या में भिंडरावाले का कोई हाथ नहीं है। इस तरह इस मामले में भी भिंडरावाले बच गए। यहां भले ही भिंडरावाले पर बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या का आरोप सिद्ध नहीं हो सका, लेकिन निरंकारी बाबा की हत्या का पूरा पूरा क्रेडिट भिंडरावाले को ही मिला। भिंडरावाले ने घोषणा की कि जिसने भी निरंकारी गुरु को मारा उसे अकाल तख्त यानी कि स्वर्ण मंदिर सम्मानित करेगी, अगर वे मिले तो मैं खुद उन्हें सोने में तौलूंगा। साल 1980 में हुई गुरुबचन सिंह की हत्या तो शुरुआत भर थी उस भयंकर आतंकवाद की, जिसके बाद पंजाब अगले एक दशक तक अराजकता का शिकार रहा। गुरुबचन सिंह की हत्या के बाद 9 सितंबर 1981 के दिन पंजाब केसरी अखबार के मालिक लाला जगत नारायण की भी हत्या कर दी गई। लाला जगत नारायण सिख निरंकारी दंगे के वक्त भी मौजूद थे और बाद में उन्होंने भिंडरावाले के खिलाफ गवाही भी दी थी। वह खालिस्तान का भी खुलकर विरोध करते रहे थे। वे अक्सर अपने अखबार में पंजाब में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों के डर के बारे में लिखा करते थे कि पुलिस और राज्य सरकार भिंडरावाले के साइड रहेगा या हिंदुओं के लिए न्याय मिलना मुश्किल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लाला जगत नारायण का अखबार पंजाब केसरी कोई दूध का धुला हुआ था, उनका अखबार भी दक्षिणपंथी विचारों को बढ़ावा ही देता था। दरअसल उस समय पंजाब की प्रेस धर्म और संप्रदायों के आधार पर बटी हुई थी। हिंदू और सिखों दोनों ही समुदायों के बीच बहुत अधिक शक और संदेह की स्थिति पैदा हो गई थी। इस कारण दोनों ही धर्मों के लोग एक दूसरे से असुरक्षित महसूस करने लगे। इसे लाला जगत नारायण के अखबार ने और अधिक बढ़ाने का काम किया, कारण जो भी रहे हों, लेकिन ये तय था कि भिंडरावाले को लाला जगत नारायण से खुन्नस थी, इसलिए पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की भी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि यहाँ भी भिंडरावाले ने भड़काऊ भाषण ही दिए थे, उनका सीधा हाथ ही था या नहीं था, या उनके किसी अनुयायी ने ही गुस्से में आकर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी थी, इसको लेकर कोई साफ स्थिति नहीं है। लेकिन लाला जगत नारायण की हत्या के तुरंत बाद पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने भिंडरावाले के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया। वारंट निकलने की खबर के वक्त भिंडरावाले हरियाणा के चंडो कलां में प्रवचन दे रहे थे। हरियाणा में भी उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन यहां भी भिंडरावाले को ज्ञानी जेल सिंह ने बचा लिया। इस मामले पर पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखा है कि दिल्ली से गृहमंत्री ज्ञानी जेल सिंह का हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि कांग्रेस नेता भजन लाल को फोन गया कि भिंडरावाले को अरेस्ट ना किया जाए। भजन लाल उनसे भी एक कदम आगे निकल गए और भिंडरावाले के लिए गाड़ी ही भिजवा दी और उन्हें सुरक्षित उनके गुरुद्वारे भिजवा दिया। जब पंजाब पुलिस चंडो कला पहुंची यानी कि हरियाणा के चंडो कला पहुंची तो वहां उसे कुछ नहीं मिला। इससे पंजाब पुलिस बड़ी फ्रस्ट्रेट हुई और उसे वहां भिंडरावाले के प्रवचन के कागज मिले जिसे पुलिस ने गुस्से में वहीं जला दिया। हालांकि यहां भी स्पष्ट नहीं है कि भिंडरावाले के प्रवचन पुलिस ने जलाए थे या पुलिस और भिंडरावाले के समर्थकों में हुई झड़प के दौरान हुई आगजनी में खुद जल गए थे। कारण जो भी रहा हो, भिंडरावाले को अब और बड़ा मुद्दा मिल चुका था जिसे उसने सिख अस्मिता से जोड़ दिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब भिंडरावाले कांग्रेस के खिलाफ हो गया। भिंडरावाले ने इसे एक मुद्दा बना दिया कि पुलिस ने उनके लिखे गुरु के अक्षर जलाकर मेरे गुरु का अपमान किया है, लेकिन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह भिंडरावाले को अरेस्ट करने का मन बना चुके थे। अंततः पंजाब पुलिस ने भिंडरावाले के गुरुद्वारे को ही घेर लिया, लेकिन भिंडरावाले के समर्थकों के कारण यहां भी दंगे का माहौल बनने लगा। भिंडरावाले ने गिरफ्तारी से पहले एक शर्त रखी, शर्त ये कि उन्हें भाषण देने दिया जाए। पुलिस ने ये शर्त मान ली, लेकिन भिंडरावाले के भाषण ने ऐसी आग लगाई कि पुलिस के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। भिंडरावाले समर्थकों की अराजक भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ गई, इतना हिंसक माहौल था। इस घटना में 12 लोग मारे गए। अंततः पंजाब पुलिस ने भिंडरावाले को अरेस्ट कर लिया। ये पहली बार था जब भिंडरावाले को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद पंजाब में अराजकता चरम पर पहुंचने लगी। भिंडरावाले समर्थक 3 सिख चरमपंथियों ने जालंधर के एक हिंदू बाजार में गोली चलाकर 4 हिंदुओं को मार डाला। तरन तारण में भी एक हिंदू की हत्या हुई और कई घायल हुए। पंजाब में हो रही
ये अराजकता तब और चरम पर पहुंच गई जब 5 खालिस्तान समर्थकों ने चाकू की नोक पर इंडियन एयरलाइंस का एक हवाई जहाज भी हाईजैक कर लिया। इसके बदले उनकी मांग थी कि भिंडरावाले को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये प्लान पूरा नहीं हो पाया। इधर पाकिस्तान में भी खालिस्तानी समर्थकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, इधर भिंडरावाले को गिरफ्तार करना भारी पड़ रहा था। पटियाला में DIG की ऑफिस पर भी बम विस्फोट कर दिया गया। ये DIG उन अधिकारियों में से एक थे जो चंडो कला में भिंडरावाले को अरेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। इस हमले में DIG जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनके भाई की हत्या कर दी गई। लेकिन इस बार भी भिंडरावाले को ज्ञानी जेल सिंह का सहारा मिल गया। भिंडरावाले को अरेस्ट किए एक महीना भी नहीं हुआ था कि 14 अक्टूबर 1981 के दिन ज्ञानी जेल सिंह ने संसद में कहा कि पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या के मामले में भिंडरावाले पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कि उन्होंने ही हत्या की है, इसलिए उनको रिहा किया जा रहा है। जबकि इस मामले में तब तक न्यायालय की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं आया था। बिना अदालत में भिंडरावाले की पेशी के ही गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह ने अपना फैसला सुना दिया था और भिंडरावाले को छोड़ दिया। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि भिंडरावाले की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हो रही मारकाट पर अंकुश लगाने के लिए ही भिंडरावाले को छोड़ा गया था। लेकिन कारण जो भी रहा हो, एक बार कब्जे में आने के बाद भिंडरावाले को छोड़ने का फैसला एकदम गलत साबित हुआ, क्योंकि अगले ही दिन पंजाब सरकार के सचिवालय में एक निरंकारी IAS अधिकारी पर हमला कर दिया गया। उनके भाई की भी हत्या कर दी गई। पंजाब में हो रही अराजकता के पीछे भिंडरावाले के समर्थकों का खुला हाथ था। बावजूद इसके अकाली दल भी उनके साथ हो लिया, क्योंकि सिखों की राजनीति करने वाले अकालियों को महसूस हो चुका था कि भिंडरावाले सिखों के एकमात्र नायक बन चुके हैं। उनके बिना पंजाब में सिख राजनीति नहीं हो सकती। जिस तरह हर बार भिंडरावाले सरकारी कार्रवाई से बच जाते थे, इससे भिंडरावाले को लगने लगा कि राज्य या केंद्र सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी रिहाई का जश्न मनाने के लिए वो 2 बसों में सवार अपने 80 समर्थकों के साथ, जिनके पास हथियार थे, राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। बसों की छतों पर भिंडरावाले समर्थक हाथ में बंदूकें लहरा रहे थे। उनका काफिला संसद भवन के ठीक पीछे गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचता है। इस घटना का जिक्र GBS सिद्धू ने भी अपनी किताब में किया है। GBS सिद्धू लिखते हैं कि उस दिन मुझे किसी काम से कनॉट प्लेस जाना था। बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर पुलिस ने मेरी कार रोक ली, क्योंकि भिंडरावाले के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसके लिए रास्ता बनाना था। बस में आगे की बाईं ओर वाली सीट पर भिंडरावाले के दर्शन से कोई वंचित ना रह जाए, इसके लिए लाउड स्पीकर पर घोषणा की जा रही थी कि आमजन संत भिंडरावाले जी के दर्शन कर सकते हैं। जुलूस कनॉट प्लेस के भीतर के क्षेत्र से निकाला गया। भिंडरावाले की कुख्यात छवि को देखते हुए इससे यही लग रहा था कि सिखों के बीच उसकी छवि को संवारने और दिल्ली में हिंदुओं के मन में डर पैदा करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा था। ये वो वक्त था जब गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह आराम से भिंडरावाले को अरेस्ट करवा सकते थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी ही अंडर आती थी। लेकिन गिरफ्तार करना तो दूर, गृह मंत्रालय ने भिंडरावाले को तिहाड़ जेल में एक सिख नेता से मुलाकात करने की भी अनुमति दे दी थी। इस बीच 21 दिसंबर 1981 के दिन दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 2 जत्थेदारों के बीच, यानी कि संतोख सिंह और सोहन सिंह संधू के बीच भिड़ंत हो जाती है। सोहन सिंह ने संतोख सिंह को गोली मार दी और संतोख सिंह के अंगरक्षक ने सोहन सिंह को गोली मार डाली। संतोख सिंह इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे और दिल्ली के सिखों पर प्रभाव रखते थे। BBC के पत्रकार मार्क टली के अनुसार संतोख सिंह ने ही उन्हें खुद बताया था कि उन्होंने ही इंदिरा गांधी से लाला जगत नारायण की हत्या के मामले में भिंडरावाले को रिहा करने की अपील की थी और कहा था कि अगर भिंडरावाले को जेल में रखा गया तो दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को कांग्रेस के प्रति लॉयल नहीं रखा जा सकता, जो कमेटी दिल्ली के सिखों पर प्रभाव रखती थी और जिस पर उस समय कांग्रेस पार्टी का नियंत्रण था। इस बात की पुष्टि पंजाब कांग्रेस के एक कांग्रेसी नेता ने भी पत्रकार सतीश जेकब से की थी। भले ही भिंडरावाले को ज्ञानी जेल सिंह का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वो इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने भिंडरावाले को रिहा करने का आदेश दिया था, ऐसा माना जाता है। दरअसल ज्ञानी जेल सिंह को लगता था कि अभी भी भिंडरावाले का उपयोग करके उनके प्रतिद्वंदी दरबारा सिंह की सरकार को कमजोर करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में से कांग्रेस का नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, इसलिए उन्होंने भिंडरावाले को हेल्प की, ऐसा कहा जाता है। कुल मिलाकर संतोख सिंह ने भिंडरावाले को रिहा करने के लिए इंदिरा सरकार पर दबाव बनाया था। इन्हीं संतोख सिंह की उनके प्रतिद्वंदी रहे सोहन सिंह ने हत्या कर दी थी, इसलिए संतोख सिंह की मृत्यु पर कार्यक्रम में राजीव गांधी और ज्ञानी जेल सिंह गए हुए थे। इसी कार्यक्रम में भिंडरावाले भी आया हुआ था। अपनी गिरफ्तारी और पंजाब पुलिस के द्वारा प्रवचनों को जलाए जाने से भिंडरावाले इतना नाराज था कि इस कार्यक्रम में ज्ञानी जेल सिंह पर अपनी भड़ास निकालने का मौका उसे मिल गया। गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह की काले कलर से डाई हुई दाढ़ी पर
तंज कसते हुए भिंडरावाले ने कहा कि हमारे गांव में जब कोई किसी की बहन को छेड़ता है तो उसकी दाढ़ी रंग कर गधे पर बैठा कर घुमाया जाता है। यहाँ भी कुछ लोग दाढ़ी रंग कर आए हैं, पता नहीं किसकी बहन को छेड़ गया है। सोचिए भिंडरावाले का साहस कितना बढ़ चुका था कि ये बात उसने उस समय के देश के गृह मंत्री से कही। लेकिन ज्ञानी जेल सिंह कुछ नहीं बोले, उनके मन में अब भी बस यही था कि भिंडरावाले की वजह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह का पत्ता कट जाए। यहाँ आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का जिक्र करना जरूरी है, आगे इससे कई संदर्भ समझ में आएंगे। साल 1973 में आनंदपुर साहिब में अकाली दल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकारने और केंद्र को विदेश मामलों, मुद्रा मामले, रक्षा मामले और संचार सहित केवल 5 दायित्व अपने पास रखते हुए बाकी के सभी अधिकार राज्य को देने के संबंधी बातें कही गई। एक तरह से कश्मीर के अनुच्छेद 370 जैसी व्यवस्था पंजाब के लिए भी लागू करने की मांग थी। अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ने कहा, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम सिखों की इच्छा भारत से अलग होने की कतई नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि हमें बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी सिख संस्कृति जीने दी जाए। बेशक हमारी राष्ट्रीयता भारतीय ही होगी, हमें ये डर है कि जो हस्त्र बौद्ध और जैन धर्म का हुआ वो हमारा ना हो, हम हिंदू धर्म का हिस्सा बनकर ना रह जाएं बल्कि अलग सिख पहचान के साथ जिएं। लेकिन केंद्र सरकार इसे मानने से रही, क्योंकि पहले से ही कश्मीर मुद्दा इतना जटिल था, अब नया पंजाब। जब इन मांगों को केंद्र सरकार के द्वारा नहीं सुना गया तो आगे चलकर ये मांगें अलग खालिस्तान की मांग के रूप में सामने आने लगी। अकाली दल के लिए यहाँ मुश्किलें ये थी कि इधर केंद्र सरकार उसकी मांगें नहीं मान रही थी, इधर भिंडरावाले सिखों के लिए और भी अधिक चरमपंथी मांगे लेकर सामने खड़ा था। जहां एक तरफ अकाली दल का सिखों में समर्थन कम हो रहा था तो भिंडरावाले सिखों में नायक बनते जा रहे थे। ऊपर से भिंडरावाले की रिहाई के बाद पंजाब में चरमपंथ अपने चरम पर पहुंचने लगा। सत्ता में दोबारा आने के बाद इंदिरा ने पंजाब की समस्या को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की। साल 1982 तक अकाली दल से वार्ताएं चलती रहीं, लेकिन इन वार्ताओं से कोई ना कोई अड़ंगा बीच में आ जाता, क्योंकि इनमें कुछ धार्मिक मांगे थी, उन्हें सरकार मानने के लिए तैयार थी, लेकिन केंद्र और राज्य के संबंध में जो मांगे थी उन्हें सरकार नहीं मान सकती थी। इधर भिंडरावाले के समर्थक चरमपंथी घिनौनी हरकतें भी अपनाने लगे ताकि हिंदू और सिखों के बीच सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। 26 अप्रैल 1982 के दिन अमृतसर के दो अलग अलग मंदिरों में दो गायों के सर लटके मिले। इसकी जिम्मेदारी किसी औने नहीं बल्कि भिंडरावाले की पार्टी माने जाने वाले दल खालसा ने ली। ये बात मार्क टली ने, यानी कि पत्रकार मार्क टली ने अपनी किताब में लिखी है और जीबीएस सिद्धू ने भी अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। 1 मई 1982 के दिन सरकार ने दल खालसा पर बैन लगा दिया। जीबीएस सिद्धू की किताब खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के अनुसार दल खालसा पर बैन की घोषणा के बाद अमृतसर के पट्टी कस्बे के मुख्य बाजार में सिख उग्रवादियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 27 जून को 2 और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया। पहली घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 3 सिख उग्रवादियों ने अमृतसर में 3 हिंदुओं को गोली मारकर हत्या कर दी। इसी दिन निरंकारी संत जोगिंदर सिंह पर भी अमृतसर जिले के धावू जी गांव में गोली चलाई गई। भिंडरावाले के समर्थकों के आतंक को देखते हुए पंजाब पुलिस ने 19 जुलाई के दिन ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष अमरीक सिंह और धारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमरीक सिंह भिंडरावाले के गुरु करतार सिंह का बेटा था। इन्हीं गुरु करतार सिंह ने अपने बेटे अमरीक सिंह की जगह भिंडरावाले को दमदमी टकसाल का प्रमुख बनाया था। अमरीक सिंह और थारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद भिंडरावाले समर्थकों ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। 19 जुलाई को गिरफ्तारी हुई और 21 जुलाई को मोगा में सिख उग्रवादियों ने बम फेंकने शुरू कर दिया, जिसमें एक रिक्शा चालक मारा गया। अमरीक सिंह और थारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद भिंडरावाले को भी अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। भिंडरावाले समझ गए कि अब सिर्फ एक ही जगह है जहां बचा जा सकता है, इसलिए भिंडरावाले तुरंत स्वर्ण मंदिर के पास गुरु नानक छात्रावास के कमरा नंबर 47 में शिफ्ट हो गए। भिंडरावाले अब सिखों के एक नायक की तरह स्थापित हो चुके थे। अकाली दल के पास उनसे हाथ मिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि सिख राजनीति करनी थी। क्योंकि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पर उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और उनके बीच की बातचीत का कुछ निर्णय नहीं निकल पा रहा था, इसलिए पंजाब में उनका जनाधार भी घटता जा रहा था। इसलिए अकाली दल के लोंगोवाल और भिंडरावाले ने हाथ मिला लिया और 4 अगस्त 1982 को स्वर्ण मंदिर के प्रांगण में धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। अकाली दल ने इस धर्म युद्ध का ऐलान आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने के लिए किया, वही भिंडरावाले ने अमरीक सिंह की रिहाई के लिए। यह आइडिया काम कर गया। इसके बाद सैकड़ों सिख हर रोज जत्थों में स्वर्ण मंदिर पहुंचते, जहां लोंगोवाल और भिंडरावाले के भड़काऊ भाषण होते। सिख चरमपंथियों की भीड़ राज करेगा खालसा की हुकार बढ़ते हुए अमृतसर की सड़कों पर निकलती। पंजाब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ये गिरफ्तारियां इतनी बड़ी संख्या में हुई कि सरकार को स्कूलों और सरकारी इमारतों में अस्थाई जेल बनानी पड़ गई। ऐसे ही सितंबर 1982 के दिन 34 सिख आंदोलनकार
आंदोलनकारियों को अरेस्ट करके पंजाब पुलिस की बस जेल ले जा रही थी। लेकिन यहां एक ऐसी घटना हुई जिसका इस्तेमाल सिखों को भड़काने के लिए किया गया। आंदोलनकारियों को जेल ले जा रही ये बस एक रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए एक ट्रेन से टकरा जाती है और सभी 34 सिख मारे गए। भिंडरावाले ने इसे एक सोची समझी साजिश कहा। अगले ही महीने उन सब की अस्थियां लेकर सिखों ने दिल्ली में एक रैली निकाली और संसद में घुसने का भी प्रयास किया। इसके बाद अकाली दल के लोंगोवाल ने भी घोषणा कर दी कि वे नवंबर में होने वाले एशियन गेम्स में विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि सिखों पर हो रहे जुल्म पर दुनिया का ध्यान खींच सकें। इधर पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल ने जल्दबाजी में ऐसे गलत फैसले ले लिए जिससे कि सिख और अधिक उग्र हो गए। भजन लाल ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया कि सिखों को हरियाणा के रास्ते राजधानी दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया जाए, जबकि ये मसला बातचीत से सुलझाया जा सकता था। एक तो सिख वैसे ही भड़के हुए थे, ऊपर से एक हिंदू मुख्यमंत्री ने यह आदेश दे दिया। इससे सिखों को भारी भेदभाव महसूस हुआ कि वे अपने ही देश में घूम नहीं सकते। एशियन गेम्स का विरोध करने के क्रम में दिल्ली जाने के क्रम में करीब 1500 सिखों की गिरफ्तारी हुई। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर में भाषण देते हुए कहा कि हमारे देश में खेल हुआ, दुनिया भर के लोग आए, लेकिन सिखों को खेल देखने की अनुमति नहीं दी गई। अब बताओ कि सिखों को हिंदू अपना गुलाम समझते हैं या नहीं? ये पंडिताइन जो प्रधानमंत्री बनी बैठी है, कान खोलकर सुन ले, ये गुलामी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एशियन गेम्स के दौरान सिखों के साथ हुए दुर्व्यवहार ने सिख समाज में भारी असंतोष पैदा कर दिया, क्योंकि जो भी सिख दिल्ली में घुस रहे थे या आ जा रहे थे उनकी चेकिंग की जा रही थी, बल्कि बाकी किसी की चेकिंग नहीं की जा रही थी। इसके विरोध में दिसंबर 1982 में लोंगोवाल और भिंडरावाले ने रिटायर्ड सिख फौजियों को स्वर्ण मंदिर में बुलाया। कई रिटायर्ड फौजी आए, कुछ फौजी भिंडरावाले के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो गए। इनमें से एक थे मेजर जनरल सहाबिक सिंह। ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसमें सहाबिक सिंह ने भारत की तरफ से न लड़ा हो। जब इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग की गई, तब बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी गुरिल्ला सेना को ट्रेनिंग देने का काम भी मेजर जनरल सहाबिक सिंह के द्वारा किया गया। लेकिन उनके करियर के अंत में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भारतीय सेना से निकाल दिया गया। उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुए। ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि वे खुद एक बड़े भ्रष्टाचार को बाहर लाने का काम कर रहे थे, तभी उनके बड़े अधिकारियों ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सेना से निकलवा दिया। इस बात ने भारतीय सेना के इस जांबाज और वफादार अधिकारी के दिल को भारी दुख पहुंचाया। उनकी पेंशन भी छीन ली गई बुढ़ापे में। जिस देश के लिए सहाबिक सिंह ने मोर्चे पर जाकर युद्धों में लड़ाइयां लड़ी, वे उस देश से नफरत करने लगे। इस तरह भिंडरावाले को अपना कमांडर मिल गया। सहाबिक सिंह की मदद से भिंडरावाले ने एक सशस्त्र सेना खड़ी कर ली। उसमें ऑटोमेटिक गन से लेकर अत्याधुनिक हथियार शामिल थे। भिंडरावाले के साथ रिटायर्ड IAS PCS अधिकारियों से लेकर पंजाब में ऐसे लोग जो खुद को सताया हुआ मानते थे, वे भी भिंडरावाले के साथ हो गए। इसके अलावा तमाम पढ़े लिखे NRI, दलित, मजहबी और नक्सल भी भिंडरावाले के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर में ही अपना ठिकाना बना लिया ताकि सरकार हमला कर ही न सके, क्योंकि स्वर्ण मंदिर पर हमले का मतलब सिख धर्म पर हमला, सिखों के सबसे पवित्र स्थान पर हमला। इसलिए भिंडरावाले जानता था कि जब तक वो स्वर्ण मंदिर में है, सरकार उसका बालवाका नहीं उखाड़ सकती। जनवरी 1983 आते आते भिंडरावाले की सेना ने पंजाब में अराजकता मचाना शुरू कर दिया। यहाँ से आगे जो आतंक मचाया जाता है, उसके बैकग्राउंड में ही केंद्र के स्तर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी की जाती है। साल 1983 से लेकर 1984 की बड़ी घटनाओं पर अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि जब भिंडरावाले हाथ से निकल गया तो उसके समर्थकों ने पंजाब में अराजकता फैलाना कैसे शुरू कर दिया, तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, वे जानबूझकर भिंडरावाले को पकने दे रही थी ताकि समय पर उसका इलाज करने से उन्हें साल 1985 के लोकसभा चुनावों में हिंदुओं का समर्थन मिल जाए, या वे गंभीरता से भिंडरावाले को निपटाने की कोशिश कर रही थी। आखिर इतनी देरी कैसे हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी कैसे हुई, उसमें क्या हुआ, इन सब सवालों पर विस्तृत चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, जिसका नाम होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब जाने की इजाज़त दीजिए, फिर लौटूंगा कोई अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।